अखिल भारतीय इलेक्ट्रो होम्योपैथ गढ़ परिषद के तत्वावधान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की जयंती समारोह का एक आयोजन गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी एन पांडे, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर ईश्वर सिंह के अलावा कार्यक्रम के संयोजक रामलखन यादव सहित अन्य चिकित्सक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों ने डॉक्टर मैटी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में इलेक्ट्रो होम्योपैथ पद्धति एक मुकाम हासिल कर रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर आर एल यादव ने कहा, आप सब कहा धरती पर स्थापित किए हुए हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं किसी तरह से संतुलन की तरफ जाती है तो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, चाहे वो मन की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे व्यक्ति क्या करता है, वो चिकित्सक के पास जाता है। चिकित्सक के पास इसलिए जाता है, हम ये नहीं कह रहे किस चिकित्सक के पास, चिकित्सक के पास इसलिए जाता है कि उसकी अभिक्रियाएं सामान्य रूप से आए। जैसे पेंडुलम है, हिला दिए तो हिलती रहेंगी घड़ी की पेंडुलम वगैरह से, लेकिन उसको साम्यावस्था में फिर आना चाहिए। जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके अंदर सभी क्रियाएं माना जाता है कि आल्दो मैन इज परफेक्ट क्रिएशन ऑफ नेचर, यू विल बिलीव परफेक्ट। आपके आदर्श हैं, जिनके आदर्श में आप चल रहे हैं, वो विश्व के बहुत बड़े प्रकृति से प्रेम रखने वाले प्राणी थे, जीव थे, और उनकी प्रेम की शक्ति से जो उत्पन्न हुआ वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा उत्पन्न हुई। उस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा जिस दिन वो उनका जन्मदिन है वो 11 है। जब आप एक और एक मिलेंगे तो 11 हो जाएंगे। आप अपनी शक्ति को पहचान लें। आज इलेक्ट्रोपैथ गण परिषद के तत्वावधान में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा विज्ञान के आविष्कारक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 211वीं जयंती मनाई जा रही है। हम लोग पिछले 30 वर्षों से लगातार इसको मनाते आ रहे हैं। इस सिस्टम का आधार है केवल वनस्पतियों से बनी हुई 38 दवाएँ, 115 पौधों से तैयार हमारी 138 दवाएँ हमारे इलेक्ट्रोपैथी में हैं, जिनसे हम मानव शरीर के सभी रोगों का इलाज करते हैं। इन दवाओं का कोई बुरा असर शरीर पर नहीं पड़ता है। ये हर्बल, शुद्ध हर्बल परिमार्जित दवाएं हैं। इनका तुरंत असर और हानि रहित होता है। इलेक्ट्रोपैथी आज पूरे इंडिया में लगभग सभी प्रदेशों में इसके काम हो रहे हैं। भारत सरकार भी इस पर IDC बना के इसको मान्यता देने के रास्ते में काम कर रही है। प्रदेश सरकार भी हमारी माननीय योगी जी की, वो भी एक कमेटी बना करके इसके सारे प्रपोजल्स इकट्ठा कर रही है और बहुत निकट भविष्य में इसके लिए हो सकता है सर्कुलर जारी हो जाए। इलेक्ट्रोपैथी आज बहुत तेज़ी से विकास कर रही है इस भारतवर्ष में। इसके जनक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, जो बोलोगना इटली के निवासी थे, उनके बताए रास्ते पर आज पूरे विश्व में हर्बल प्रेम के आधार पर दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं। हमारा गण परिषद बहुत बहुत आभारी है अपने मित्रों का।